तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कल का एक मैच जो कि वुमेंस मैच होगा, तो वुमेंस T20 मैच होगा बिग बैश लीग का सेकंड मुकाबला होगा। तो इस मैच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बहुत सारे ग्रैंड प्लेयर हैं, वो भी बताऊँगा। और मैं स्मॉल टीम भी दिखाऊँगा, मैं ऑलरेडी टीम बना चुका हूँ तो उसको भी एडिट करके दिखाऊँगा। पर उससे पहले यहाँ पर देख लेते मैच कौन सा है, आपको बता दूँगा यहाँ पर। तो ये मैच खेला जाएगा, यहाँ पे देख लो, सिडनी थंडर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में मैच खेला जाएगा। दोनों सिडनी के प्लेयर टीम है, उन दोनों के बीच में मैच खेल होगी। तो कल मैच शुरू होगा, तो अभी के लिए वीडियो बना लो क्योंकि आपको हेल्प हो जाए। तो गैस यहाँ पे देख लो, अभी तक फ्री एंट्री और 100% मोस्टली ऐड नहीं हुए, पर वरी मत कीजिए, यहाँ पर आप जरूर ऐड हो जाएंगे। फ्री लीग प्लस एटी, फ्री लीग प्लस बोनस लीग, तो जब होंगे तब ऐड होंगे तब ज्वाइन कर लेना। पर अभी के लिए यहाँ पे हेड टू हेड लीग है, वो आप ज्वाइन कर सकते। तो चलो गाइस, पहले देख लेते दोनों टीम का प्लेयर के स्टैट कैसा है, पहले उसके ऊपर थोड़ा नज़र रख लेते हैं, पहले वो देख के बाद में आपको टीम दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे पहले देख लेते दोनों टीम के कुछ प्लेयर के रिसेंट मैच में कैसे परफॉर्मेंस और क्या रहे, पहले वो उसके ऊपर थोड़ा नज़र रख लेते। तो यहाँ पे पहले आते हैं मैथिली बॉर्न, इनका कैसे रिकॉर्ड है, पिछले मैच में 27 रन बना के आई थी और उससे पहले 29 रन बना के थे सिडनी थंडर के बीच में, उसको नॉट आउट करके गई थी। तो इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके चल सकते, और पिछले दो मैच विकेट नहीं लेते पर एक मैच है 3 विकेट लेके आई थी। तो इस मैच में ज़रूर विकेट लेके आ सकते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही उतना अच्छा है। देखो यहाँ पे सिर्फ 3-1, 3-1, 3-1 ऐसा उनका विकेट लेना है, कभी भी उन्हें 2 विकेट नहीं लिए, लेती है तो सिर्फ 1 विकेट लेती है वरना 3 या 4 विकेट लेके जाती। तो प्लेयर बहुत बढ़िया है, इनको भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एशली गार्डन प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच 15 रन बनाई थी, उससे पहले 14 रन, उससे पहले 28 रन बनाए गए थे। लगातार 3 मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रही बैटिंग से और बॉलिंग से भी, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 4 विकेट, तो उससे पहले 1-1 विकेट। तो यहाँ पे देख लो 10 लगातार सब मैच विकेट लेके आ रही, कोई मैच आपको 0 नहीं दिखेगा, सब में आपको विकेट ही दिखेगा। तो ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, विकेट टेकर बॉलर बोल सकते हैं इनको। और ये सब स्मॉल लीग में कैप्टन भी हो सकती है। तो नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे एंजेलिन गनफर्ड, आई थिंक अभी तक खेले नहीं और उनका रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है। स्टेला कैम्बल, ये भी कोई मैच ज़्यादा खेले नहीं और उनका भी उतना अच्छा रिकॉर्ड है, कभी कभार 1 या 2 विकेट लेके आई। हनन टेनरी, उनका रिकॉर्ड नहीं। यहाँ पे लॉरन चेलत, इनका रिकॉर्ड पिछले मैच विकेट नहीं ली थी पर उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 2 मैच 0 विकेट और उससे पहले 2 मैच 3 विकेट लेके आई थी। तो ये भी विकेट टेकर बॉलर बोल सकते हैं, कोई आई थिंक 3 मैच में विकेट नहीं ली थी, उनको छोड़कर सब मैच में विकेट लेके आई थी। नेक्स्ट आते यहाँ पे कैटी पीटरसन, पिछले मैच से 4 विकेट लेके आई थी और उससे पहले 2 मैच बॉलिंग की थी पर विकेट नहीं लेके थी। तो इस मैच में मुझे लग रहा है ये विकेट नहीं लेगी। निकोलो बोल्टन, पिछले मैच 3 रन, उससे पहले 1 रन बनाया गई थी और बॉलिंग भी उतना खास नहीं, उनका बॉलिंग से भी विकेट नहीं लेके आ रहे। सूजी बैट्स, पिछले मैच 41 रन बनाए गई थी, उससे पहले 3 रन, उससे पहले 1 रन बनाई गई थी और ये बॉलिंग अभी तक बॉलिंग नहीं की। यहाँ पे क्लेरा मोर, उनका भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं। यहाँ पे जेड एलन का भी नहीं। यहाँ पे और एलेसा पेरेरी, इनका देख लेते, पिछले मैच 0 पर आउट हो गई थी, उससे पहले 48 रन, उससे पहले 11 रन बनाए गई थी और बॉलिंग में पिछले मैच में विकेट नहीं लेके थे, उससे पहले मैच 2 मैच में 1 विकेट लेके आई थी। तो इस मैच में विकेट लेके आ सकती है और बैटिंग भी अच्छा खासा करके जा सकती है। नेक्स्ट आते यहाँ पे एलेसा हेली, पिछले मैच सिर्फ 6 रन बना के आउट हुई थी, उससे पहले 107 रन, उससे पहले 31 रन बना के आई थी। तो एक विकेट के ऊपर वैसे नहीं, अच्छा खासा बैटिंग करके आ सकती है इस मैच में, तो इनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते यहाँ पे एरन बर्ड्स, पिछले मैच 51 रन बनाई थी, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 2 मैच 25 रन, तो बैटिंग अच्छा खासा करके आई थी और बॉलिंग सिर्फ 2 बॉल की थी, उसमें भी 1 विकेट लेके आई थी। अगर इनको बॉलिंग में दी तो इन्होंने बॉलिंग से भी विकेट लेके आ सकते हैं, तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। और सोफी एलिस्टोन, पिछले मैच 47 रन बना के आई थी, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 22 रन और बॉलिंग में पिछले 2 मैच विकेट नहीं लेके आ रही, तो ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, विकेट लेके आ सकते हैं, विकेट टेकर बॉल रहे, तो जरूर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। वही सिडनी थंडर्स के प्लेयर के कुछ रिकॉर्ड देख लेते, उसमें पहले आते हैं समंता बेट्स, पिछले मैच 6 रन बना के आई थी और बॉलिंग में पिछले मैच विकेट नहीं ली थी, उससे पहले 2 मैच 1-1 विकेट लेके आई थी समंता बेट्स ने। अनिका लियार्ड, ये भी अभी तक खेले नहीं, उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है। सासिक होली, उनका भी अच्छा रिकॉर्ड पर अभी तक खेले नहीं मैच। यहाँ पे लियो थाओ,
इनका देख लेते हैं, पिछले मैच 6 रन, उससे पहले 1 रन पर बॉलिंग में, पिछले 2 मैच विकेट नहीं लेके थी, पर 1 मैच 3 विकेट लेके आई थी। अगर आप बॉलिंग करती है तो विकेट ले सकती है, पर ज़्यादा बॉलिंग नहीं की यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रैचल हैंस, पिछले मैच 0 पर आउट हुए थे, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 16, 31, 37 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड है बैटिंग से, बैटिंग अच्छा करके आ सकती है। तो बस नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे समीर जो जॉनसन, ये प्लेयर बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, पिछले मैच 16 रन में आए थे, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 19 रन, उससे पहले 41, 22 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, और बॉलिंग में पिछले मैच सिर्फ 1 विकेट ले गई थी, और उससे पहले 4 मैच विकेट ही नहीं ले गई थी। प्लेयर बहुत बड़ा है अभी, ये भी विकेट लेके आते हैं। ऑली पॉटर ये भी नहीं खेलेंगे। एमए जोन्स पिछले मैच 7 रन बनाए गए थी, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 53 रन बनाई गई थी, और एक विकेट कीपर वैसे ने अच्छा खासा बैटिंग करके आ सकती है। टमे बीबोंट पिछले मैच 5 रन, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 10 रन बनाई गई थी। लास्ट 4-5 मैच उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इनका भी। एला बोस्को इनका भी नहीं है। बेलिंडा वकीरवा पिछले मैच में 15 रन, उससे पहले बैटिंग नहीं आई थी, और बॉलिंग में पिछले मैच विकेट नहीं ली थी, पर उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले मैच 3 विकेट ले गई थी। हना डार्लिंगटन पिछले मैच 2 रन, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, बॉलिंग में पिछले मैच विकेट नहीं ली थी, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले मैच 2 विकेट ले गई थी, तो बैटिंग भी अच्छा खासा करके आती है अभी। जसिका डेविडसन भी नहीं है। फोबी लिचफील्ड पिछले मैच 6 रन, उससे पहले बॉलिंग बैटिंग नहीं थी, और बॉलिंग बैटिंग बहुत बड़ा करके आती है, हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आती है, और पिछले 2 मैच फ्लॉप रही है। चोले ट्राइकॉन पिछले मैच 4 रन, और बॉलिंग में पिछले मैच बॉलिंग नहीं की थी, उससे पहले 1 विकेट लेके आई थी। एल स्मिथ पिछले मैच में विकेट लेती 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 2 विकेट ऐसा इनका रिकॉर्ड है। विल्सन का देख लेते हैं लास्ट में, विल्सन ने पिछले मैच में 20 रन बना के आई थी। तो यह हुआ कुछ दोनों टीम के प्लेयर के स्टेट, यानी दोनों टीम ने पिछले मैच में कैसे, दोनों टीम के प्लेयर ने पिछले मैच में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे वो देख लिए। अब देख लेते हैं इस ग्राउंड में प्लेयर कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे। एलिसा एली T20 में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही, वुमेंस बिग बॉक्स लीग में 17 मैच 538 रन बनाए गए, 111 इनका हाईएस्ट स्कोर है। ए जोन्स 10 मैच 127 रन, 57 इनका हाईएस्ट स्कोर है। गार्डनर 15 मैच के लिए 432 रन बनाए गए, 114 इनका हाईएस्ट स्कोर है। ट्राइकॉन ने 4 मैच 84 रन बनाए गए, और नेक्स्ट एलिसा पेरी 15 मैच 440 रन बनाए गए, 91 इनका हाईएस्ट स्कोर है। एलिसा पेरी बहुत बड़े प्लेयर है। ई बर्न्स 14 मैच 181 रन, 51 इनका हाईएस्ट स्कोर है। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एल स्मिथ 10 मैच 28 रन, और बोल्टन ने 1 मैच 77 बनाई थी ओडिया में। लिचफील्ड 6 मैच 202 रन बनाए गए ओडिया में, और वुमेंस बिग बैस लीग में 6 मैच 96 रन। और एलिस्टोन ने 2 मैच 55 रन, पिछले मैच का 47 पकड़ के। विलिसन 4 मैच 7 रन सेफ। और बॉलिंग में देखते हैं बॉलिंग में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे। बॉलिंग में गार्डनर है 15 मैच 12 विकेट, और नेक्स्ट एलिसा पेरी 5 मैच 15 मैच 5 विकेट, और कोई अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैटली बॉर्न 5 मैच 12 विकेट लेके आ रही, और जॉसन 6 मैच 12 विकेट। एलिस्टोन ने सिर्फ 1 विकेट लेके आ रही यहाँ पे इस मैदान में। तो गाइस अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कोई हेड टू हेड मैच हुआ है कि नहीं, कि पहले वो देख लेते। तो यहाँ पे बहुत सारे हेड टू हेड मैच हुए, तो उसमें विनिंग प्रेडिक्शन में देख लो, यहाँ पे 12 मैच खेल के आए, उसमें दोनों टीम 12 मैच खेले, उसमें 7 मैच सिडनी सिक्सर्स ने मैच जीती है, और 4 मैच सिडनी थंडर्स ने जीते है, तो पकड़ा भारी है सिडनी सिक्सर्स का। तो एक मैच का थोड़ा स्कोर कार्ड देख लेते हैं, तो पिछले मैच में हुआ था उसमें सिडनी सिक्सर्स ने 15 रन से मैच जीती है। सिडनी सिक्सर्स पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए थे 6 विकेट खोकर, उसमें सुजीबिट 5 रन, एलएसएलई 22, पेरेरी 1 रन, गार्डन 53 रन, बर्न्स 1 रन, बोल्टन 28, 29, मेटली ब्राउन और 8 लिस्टोन ने बनाई थी। बॉलिंग में यस बेट्स 2 विकेट, एल स्मिथ 2 विकेट, और डार्लिंगटन 1 विकेट लिखाई थी। वही सिडनी थंडर्स की बैटिंग में टी बर्मंट 10 रन बनाए गए थी, लिचफील्ड 11 रन, जोसन 22 रन, आर हेंस 30 रन, श्री ट्रैकॉन 32 रन बनाई गई थी, ओ पोर्टर 8 रन, एल स्मिथ 4 रन, और 21 डार्लिंगटन बनाई थी। वही बॉलिंग में 3 विकेट ले गई थी गार्डनर ने, मेटली ब्राउन ने विकेट नहीं ली थी, एलिस्टोन ने 1 विकेट ले गई थी, और चेलट उन्होंने 3 विकेट ले गई थी इस मैच में। और ये मैच सिडनी सिक्सर्स से 15 रन से मैच जीत ली थी अगेंस्ट सिडनी थंडर्स में। तो गाइस चलो अब टीम देख लेते, टीम के देखने का वक्त बन आ गया। तो प्लेयर के स्टैट देख लिया आप लोग, और पिछले मैच में इन दोनों के बीच में हेड टू हेड मैच कौन सा स्कोर कार्ड, वो भी आप स्कोर कार्ड देख लें। तो चलो गाइस
माइनॉरिटी टीम बना सको तो मैं उसको आपके सामने थोड़ा एडिट करके दिखाऊंगा, तो कैसे ही मेरी टीम। चलो गाइस टीम देख लेते हैं। तो गाइस एक मेरी स्मॉल ही टीम रहेगी, तो इस टाइम पहले यहाँ पे मैं 3 बैच के बैट्समैन के साथ जाऊँगा। तो पहले यहाँ पे लूँगा मैं ए बर्न्स को, एरन बर्न्स प्लेयर बहुत बड़ा है भी। पिछले मैच में उन्होंने देख लो सिर्फ 22 सिलेक्शन हुई थी और 93 पॉइंट देखी गई थी 51 रन बना के। उससे पहले मैच फ्लॉप हुई थी, सिर्फ डेक पर हुई थी, और उससे पहले मैच उन्होंने 25 रन बनाई थी। तो और उससे पहले मैच में एक मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, सिर्फ उन्होंने 25 रन बना के आई थी और उसमें बॉलिंग नहीं की थी, और पिछले मैच में एक मैच में बॉलिंग नहीं की थी। तो प्लेयर बहुत बड़े अभी, ये भी अच्छा खासा रन बना के आ सकते हैं इस मैच में भी, इसके वजह से मैं आज इनको पिक करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे ले आऊँ मैं सूजी बेट्स को, सूजी बेट्स एक ओपनिंग बैट्समैन है। पिछले मैच में 41 रन बनाई गई थी, उससे पहले 3 रन, उससे पहले 1 रन, 4 कैच पकड़ी थी, उससे पहले 22 रन बनाई गई थी। सूजी बेट्स एक प्लेयर बहुत बड़ा है, अच्छा खासा बैटिंग करके आती है, इसके वजह से मैं आज इनको पिक करूँगा। आपकी मर्जी, आप इनको नहीं लाना चाहते, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। निक बोल्टन एक ऑप्शन है, ग्रीनफोर्ड है, ब्रूमंट है, हैंड्स है, उनको भी ले सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे मैं लिस्टफील्ड को ले आऊँगा। लिस्टफील्ड पिछले मैच 6 रन बना गई थी, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 39, 11 रन। तो लास्ट 2 मैच में फ्लॉपी रहे, और इस मैच में एक अच्छा खासा बैटिंग करके आ सकती है, तो इसकी वजह से मैं जिनको पिक करूँगा लिस्टफील्ड को। तो आपकी मर्ज़ी है, यही सेम टीम जाने का कोई ज़रूरत नहीं, आप चेंज कर सकते हो, कुछ प्लेयर को छोड़कर कुछ प्लेयर को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं विकेट विशेषज्ञ में यहाँ पे मैं एलेक्स हेली को साथ जाऊँगा। एलेक्स हेली पिछले मैच 6 रन बना के आई थी, उससे पहले 107 रन, उससे पहले 31 रन। तो पिछले मैच में फ्लॉप हुई थी और उससे पहले अच्छा परफॉर्मेंस करके आई थी, और इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछले मैच में फ्लॉप हो गई थी। तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे आपको एमए जोन्स लेने से तो एमए जोन्स के साथ जा सकते हो, या थैला विलियमसन को, उनको भी साथ जा सकते हो। पर अगले यहाँ पे मैं हेली के साथ जाऊँगा, वही ऑलराउंडर, यहाँ पे 4 ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा भाई। पहले मैं यहाँ पे आशले गार्डन मस्ट पिक करूँगा, क्योंकि पिछले मैच में 15 रन 1 विकेट, उससे पहले 14 रन 2 विकेट, 28 रन 4 विकेट। तो हर मैच में विकेट लेके आ रही, विकेट तो पक्का लेके जाती है, बैटिंग नहीं खेली तो, इसलिए वजह से मैं इनको पिक करूँगा। और बैटिंग में चांस मिले तो बैटिंग में अच्छा खासा बैटिंग करके जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिया मैं सैमी जोन्स। पिछले मैच 16 रन बनाई थी, उससे पहले 16 रन 1 विकेट, उससे पहले 19 रन, उससे पहले 41 रन बनाई गई थी, उससे पहले 22 रन। ये प्लेयर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आती है, हर मैच ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे लूँगा मैं एलेसा पेरी को। एलेसा पेरी ये प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच 9 डॉट पर की थी, पर विकेट नहीं ली थी और बैटिंग भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। पर उससे पहले मैच 48 रन 1 विकेट ले गई थी, और उससे पहले मैच 11 रन 1 विकेट, उससे पहले 69 रन बनाई गई थी। बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा करके आती, तो इसकी वजह से मैं आज इनको पिक करूँगा। तो उनका भी रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, अच्छा खासा बैटिंग करके आ सकती है मुझे लग रहा है। लास्ट यहाँ पे लूँगा मैं चौली ट्राइकॉन को, थोड़ा इसकी पिक बोल सकती है ट्राइकॉन को, क्योंकि पिछले मैच में फ्लॉप हुई थी, उससे पहले 12 रन बनाई गई थी, उससे पहले फिर से फ्लॉप, उससे पहले 32 रन। तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, और बैटिंग भी उतना अच्छा नहीं है, बॉलिंग भी विकेट भी नहीं ले रही। पर ये प्लेयर बहुत बड़ा है, इनका रिकॉर्ड ही बहुत बता रहा है, अच्छा प्लेयर आईकर को, कभी भी चल सकती है, कभी भी एक अच्छे पारी खेल के चल सकती है, तो इसके वजह से मैं इनको पिक करूँगा। तो आप सेफ जाना चाहते हो, आप उनको छोड़कर कोई बॉलर को आप ले सकते हो, पर मैं सेफ नहीं जाऊँगा, तो रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं रिस्क की पिक रिस्क लेकर आज उनको मैं ले रहा हूँ। वही बॉलिंग में यहाँ पर मैं 3 बॉलर के साथ जाऊँगा, मेरे 3 बॉलर रहेगा यहाँ पे। पहले सोफिया एलिस्टोन, एल स्मिथ और बेलिंडा, इनका नाम क्या है, वकरवा, उनका नाम ही बोले नहीं आ रहा है। पहले एलिस्टोन प्लेयर बहुत बड़ा, एलिस्टोन पिछले मैच 47 रन बनाए थे पर विकेट नहीं ली थी, उससे पहले विकेट नहीं, उससे पहले 22 रन 1 विकेट, उससे पहले 2 डॉट बॉल की थी, सॉरी 11 डॉट बॉल 2 रन बनाई गई थी। एलिस्टोन भी एक बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है, विकेट लेके आ सकती है इस मैच में, इसलिए मैं इनको आज पिक करूँगा। नेक्स्ट टाइम पर मैं पिक करूँगा लॉरेंस स्मिथ को। स्मिथ भी एक बहुत बड़ा बॉलर है, इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 1 विकेट ले गई थी, उससे पहले फिर से 1 विकेट, फिर से 2 विकेट। तो हर मैच विकेट लेके आती है, हर मैच कुछ खास करके जाती है, और मुझे लग रहा है इस मैच भी एक अच्छा खासा विकेट लेके आ सकते हैं, इसके वजह से मैं आज इनको पिक करूँगा। और लास्ट मेरे बॉलर है यहाँ पे बेलिंडा वकरव, पिछले मैच में विकेट लेके आई थी, 15 रन बना के, सॉरी विकेट नहीं ली थी, 16 डॉट बॉल की थी, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, 1 मिडल ओवर, और उससे पहले 2 रन बना के आई थी।
तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, ये भी अच्छा खासा विकेट लेके आ सकती है और बैटिंग में चांस हुआ तो बैटिंग भी अच्छा खासा बैटिंग करके आ सकती है। तो भाई ये मेरी स्मॉल टीम रहेगी। तो कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन मैं मस्ट पिक कहूँगा एशली गॉर्डन, क्योंकि एक स्मॉल टीम है, स्मॉल में सब लोग इन्हीं को कैप्टन बनाएंगे। और मैं वाइस कैप्टन यहाँ पे सोफिया एलिस्टोन को बना रहा हूँ, क्योंकि सोफिया एलिस्टोन बहुत दिन हो गए विकेट नहीं लेके और इस मैच में मुझे लग रहा है एक विकेट लेके जा सकती है। वही ग्रैंड लीग में यहाँ पे एलिस एली कैप्टन बना सकते हो, वाइस कैप्टन यहाँ पे एल स्मिथ को वाइस कैप्टन बना सकते हो। ये ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन हो सकता है। पर मेरा स्मॉल टीम है गार्नर वाइस कैप्टन, सोफिया एलिस्टोन, ये मेरी स्मॉल टीम है। और यहाँ पे फ्रेंड ऐड होंगे, जरूर ज्वाइन करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।